नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आप लोगों का जो इंतज़ार था वो लगभग ख़त्म हुआ। खेल महाकुंभ 2023-24 अब प्रारंभ होने जा रहे हैं। खेल महाकुंभ 2023 का विवरण इस प्रकार है, दिखाते हैं आपको। अपर सचिव उत्तराखंड शासन ने 19 अक्टूबर 2023 को एक लेटर जारी किया है जो खेल महाकुंभ 2023 के संबंध में है। सबसे पहले समझते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। वर्तमान में युवाओं को इलेक्ट्रिक संस्कृति और प्ले ग्राउंड संस्कृति की ओर आकर्षित करने के साथ ही न्याय पंचायत, विकास स्तर, जनपद और राज्य स्तर प्रतियोगिता के दौरान अधिक से अधिक प्रतिभावान खिलाड़ी का चयन किया जाना है। और खेल महाकुंभ के अंतर्गत राज्य से अधिक युवाओं को प्रतिभाग कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। खेल महाकुंभ के माध्यम से स्पोर्ट्स कॉलेज, खेल छात्रावासों में प्रवेश के साथ साथ ही युवाओं को सेना, अर्धसैनिक बल और पुलिस में भर्ती के लिए भी लाभ दिलाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें हमारे उत्तराखंड के जो 14 से 19 वर्ष तक के बालक बालिका होंगे वो सारे ही इसमें पात्र होंगे। कहने का तात्पर्य यह है, गांव से लेकर शहर तक और गवर्नमेंट स्कूल से लेकर सारे निजी कॉलेज के बच्चे भी इसमें प्रतिभाग कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी विद्यालय में या किसी भी बोर्ड के छात्र हैं। और इसमें न्याय पंचायत से ये प्रतियोगिता प्रारंभ होगी, तो इसके लिए सबसे पहले आपको पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण के लिए हम आपको फॉर्म दिखाते हैं, फॉर्म देखिए, ये इसका फॉर्म है। इसमें देखिए, ये अपना जनपद का नाम भरना है। ये फॉर्म पूरे उत्तराखंड में एक ही फॉर्म रहेगा। इसमें जो है आपकी स्व प्रमाणित एक फ़ोटो लगनी है, साथ ही आपका नाम, पिता का नाम, खेल कौन से खेल विधा में आप प्रतिभाग करना चाहते हैं खेल का नाम लिखना होगा, और यदि भार से संबंधित खेल है तो भार वर्ग का नाम लिखना होगा। और प्रतियोगिता का स्तर आप न्याय पंचायत से शुरू कर रहे हैं तो न्याय पंचायत, अगर विकास खंड से वो प्रतियोगिता प्रारंभ होगी तो विकास खंड का नाम, जनपद से शुरू होगी तो जनपद का नाम, और अगर राज्य में डायरेक्ट शुरू होगी तो राज्य का नाम लिखना होगा। आप कौन सी आयु वर्ग में प्रतिभाग कर रहे हैं वो आयु वर्ग लिखना होगा, और केवल एक आयु वर्ग में ही आप प्रतिभाग कर सकते हैं। जन्मतिथि 3 इसमें वर्ग बनाए गए हैं, एक 11 से 14 वर्ष है, दूसरे 14 से 17 वर्ष है, और तीसरा 17 से 19 वर्ष है। तो 3 तरह की जो ये आयु वर्ग हैं उनमें से आप कौन सी आयु वर्ग में प्रतिभाग करने के लिए सक्षम हैं उसका आपने इसमें विवरण दे देना है। और आपकी जो आयु निकाली जाएगी वो 31 मार्च 2024 से निकाली जाएगी, यानी आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 31 मार्च 2024 से घटाई जाएगी। तो जितने साल, जितने माह और दिन आपके निकलेंगे उसके हिसाब से आप सुनिश्चित करेंगे कि आपको कौन सी आयु वर्ग में प्रतिभाग करना है। उसके अलावा आप किस जाति से हैं, सामान्य हैं, अनुसूचित जाति हैं, जनजाति हैं या पिछड़ा वर्ग से हैं, उसका उल्लेख करना होगा। कौन से विद्यालय में आप अध्ययनरत हैं उसका उल्लेख करेंगे। यदि आप दिव्यांग हैं तो दिव्यांगता का प्रकार आप लिखेंगे। अगर आप मुख्यमंत्री खिलाड़ी उन्नयन योजना से आच्छादित हैं या नहीं हैं वो लिखेंगे। छात्रवृत्ति योजना से आच्छादित हैं या नहीं हैं उसके बारे में आप हाँ या ना में जवाब देंगे। स्पोर्ट्स कॉलेज, स्पोर्ट्स छात्रावास में प्रशिक्षणार्थी हैं उसका आप जिक्र करेंगे। आपका पूरा पता लिखा जाएगा जिसमें आपका वार्ड, न्याय पंचायत कौन सी लगती है, नगर पंचायत लगती है या विकास खंड कौन सा है, जनपद कौन सा है, आपका क्या मोबाइल नंबर है, ये सब विवरण आपको देना होगा। वर्तमान में आपकी शैक्षिक योग्यता क्या है, और कोई बीमारी तो आपको नहीं है उसका विवरण आपको देना पड़ेगा, और आपका आधार नंबर क्या है वो देना पड़ेगा। लास्ट में आप एक घोषणा इसमें छोटी सी लिखी हुई है कि पंजीकरण में दी गई सूचना मेरी सत्य है और मैं किसी असाध्य रोग से ग्रसित नहीं हूँ या हूँ, असत्य सूचना के लिए मैं स्वयं जिम्मेदार रहूँगा, और आपके हस्ताक्षर होंगे और आपके अभिभावक के हस्ताक्षर होंगे। ये हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म है।
और पंजीकरण करने वाले खिलाड़ी केवल एक ही आयु वर्ग में पंजीकरण करा सकते हैं। साल वाला प्रतिभागी है वो 14 से 17 साल वाले में प्रतिभाग कर सकता है, यानी ऊपर की आयु में प्रतिभाग कर सकता है, लेकिन ऊपर वाला नीचे की आयु में प्रतिभाग नहीं करेगा और केवल एक ही आयु वर्ग में आप प्रतिभाग करने के लिए अर्हता रखते हैं। और न्याय इस बार उत्तराखंड सरकार ने एक व्यवस्था और की है कि न्याय पंचायत स्तर पर ही प्रथम द्वितीय और तृतीय आने वाले खिलाड़ी को नगद पुरस्कार भी प्राप्त होगा और साथ ही प्रमाण पत्र भी दिए जाएंगे। और आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म के साथ एक जन्म प्रमाण पत्र जो आपके स्कूल के द्वारा निर्गत हो, आईडी कार्ड नगर पालिका या नगर अस्पताल या द्वारा निर्गत जन्म प्रमाण पत्र या हाई स्कूल की अंक तालिका या ग्राम पंचायत विकास अधिकारी द्वारा जन्म प्रमाण पत्र पंजीकरण प्रपत्र के साथ अवश्य रूप से आपको लगाना होगा, साथ ही आधार कार्ड आपको लगाना होगा। और किसी भी स्तर पर जो प्रतियोगिता में व्यक्तिगत स्पर्धाओं में अगर 4 खिलाड़ी से कम रहे उस स्तर में, उस स्थिति में वो प्रतियोगिता निरस्त कर दी जाएगी। कहने का तात्पर्य यह है 1 से 3 तक किसी एकल प्रतियोगिता में प्रतिभागी रहते हैं तो वो प्रतियोगिता निरस्त मानी जाएगी। इसलिए किसी भी प्रतियोगिता के लिए 4 या 4 से अधिक खिलाड़ियों का होना व्यक्तिगत स्पर्धा में आवश्यक है। और खेल कौन कौन से होने हैं वो देखिए आप, इसमें कबड्डी होनी है, एथलेटिक्स होनी है, खो खो, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, फुटबॉल, टेबल टेनिस, ताइक्वांडो, बॉक्सिंग, जूडो, हैंडबॉल, बास्केटबॉल, कराटे, हॉकी, मुर्गा झपट और मलखम्ब की प्रतियोगिता का आयोजन होना है। और ये सभी आयु वर्ग में प्रतिभाग होगा। देखें अंडर 14 बालक बालिका वर्ग में न्याय पंचायत स्तर से कौन कौन से खेल प्रारंभ होंगे, कबड्डी, एथलेटिक्स, 60 मीटर की दौड़, 600 मीटर की दौड़, लंबी कूद, ऊंची कूद, गोला फेंक, ये न्याय पंचायत स्तर पर होंगे। विकास खंड स्तर पर कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, एथलेटिक्स, 60 मीटर की दौड़, 600 मीटर की दौड़, लंबी कूद, ऊंची कूद, गोला फेंक। जनपद स्तर पर यही जो न्याय पंचायत से हुए, फिर विकास खंड स्तर पर आए और विकास खंड से जो चयनित प्रतिभागी होंगे जनपद स्तर पर प्रतिभाग करेंगे। उसके अतिरिक्त फुटबॉल, बैडमिंटन, एकल युगल और मिक्स, इसमें एक चीज़ का ध्यान रखें, बैडमिंटन जो एकल खेलेगा वो युगल नहीं खेलेगा, युगल वाला एकल नहीं खेलेगा और मिश्रित वाले भी अलग होंगे। जूडो बालक बालिका वर्ग, जिसमें हम आपको वेट कैटेगरी बाद में बताएंगे, बॉक्सिंग बालक बालिका, टेबल टेनिस, एकल युगल मिक्स, इसमें भी जो एकल खेलेंगे वो युगल नहीं खेलेंगे, युगल वाले एकल नहीं खेलेंगे, मिश्रित अलग खेलेंगे। ताइक्वांडो बालक बालिका, कराटे बालक बालिका, ये प्रतियोगिताएं संपादित होगी। इसी तरह जनपद राज्य स्तर पर कबड्डी, खो खो जो जनपद स्तर की प्रतियोगिता है उनमें जो चयनित प्रतिभागी हैं वो राज्य स्तर में प्रतिभाग करेंगे। और इसी तरह अंडर 17, अंडर 19 की प्रतियोगिताएं संपादित होगी और दिव्यांग जन सीधे राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेंगे। दिव्यांग जन के लिए, महिला पुरुष के लिए जो इवेंट्स हैं वो हैं एथलेटिक्स, ब्लाइंड T11, T13, 100 मीटर, 200 मीटर, लंबी कूद, गोला फेंक। मूक बधिर के लिए 100 मीटर, 200 मीटर, लंबी कूद, गोला फेंक।
लोअर लिम्ब एवं स्पाइनल के लिए गोला फेंक, चक्का फेंक, भाला फेंक, अपर लिम्ब के लिए 100 मीटर, 200 मीटर, लंबी कूद, गोला फेंक, बैडमिंटन, एकल वर्ग, अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, व्हील चेयर, मूक बधिर। और खेल महाकुंभ में इस बार न्याय पंचायत से ही आपको नगद पुरस्कार की व्यवस्था की गई है, उसके अतिरिक्त विकासखंड, जनपद और राज्य स्तर पर भी आपको नगद धनराशि प्राप्त होगी। न्याय पंचायत में जो प्रथम स्थान प्राप्त करेगा उस खिलाड़ी के लिए 300 रुपया, द्वितीय स्थान पाने वाले के लिए 200 रुपया और तृतीय स्थान पाने वाले के लिए 150 रुपये नगद पुरस्कार होगा। विकासखंड स्तर पर प्रथम वाले को 500 रुपया, द्वितीय में 400 और तृतीय में 300 रुपया। जनपद स्तर में प्रथम आने वाले को 800 रुपया, द्वितीय को 600 रुपया और तृतीय को 400 रुपया। और राज्य स्तर पर प्रथम स्थान में 1500, द्वितीय में 1000 और तृतीय में 700 रुपये पुरस्कार प्राप्त होगा। साथ ही विजेता प्रमाण पत्र और प्रतिभागिता प्रमाण पत्र और मेडल दिया जाएगा राज्य स्तर पर। और टीम चैंपियनशिप राज्य स्तर पर प्रत्येक आयु वर्ग में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले जनपद के एक बालक और एक बालिका को चैंपियनशिप के रूप में विजेता और उपविजेता की शील्ड ट्रॉफी दी जाएगी। और ये सारी प्रतियोगिता 1 नवंबर से प्रारंभ होकर 1 नवंबर 2023 से प्रारंभ होकर 31 मार्च 2024 से पहले जो है संपन्न हो जाएंगी, जो राज्य स्तर तक संपन्न होनी है। अब आपको जो सबसे बड़ा इंतज़ार रहेगा वो रहेगा कि आपके खेल किस जगह पर किस किस तिथियों को होने हैं। तो आपके संज्ञानार्थ में बता दूं कि जो न्याय पंचायत स्तर की जो प्रतियोगिताएं हैं वो 1 से 15 नवंबर के मध्य संपादित हो जाएंगी और ब्लॉक स्तर की प्रतियोगिता 15 नवंबर से 30 नवंबर तक संपादित होनी है। उसी तरह आगे का कैलेंडर भी चलता रहेगा। इसके संबंध में प्रत्येक जनपद में मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में मीटिंग आयोजित होनी है और उसके बाद तिथियों का निर्धारण होना है। जैसे ही तिथियां निर्धारित होती हैं और जिन जिन जनपद की तिथियों की हमें जानकारी मिलेगी वह हम अपने YouTube चैनल से आपको पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल अभी आप इसका अध्ययन करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें जिससे इसका फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हो सके। सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक भी करें और आपकी जो भी क्वेरीज होगी आप हमें अपने कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपकी समस्या का समाधान होगा। नमस्कार।